अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रसलान और आप देख रहे हैं अरसल टेक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपनी वेब व्यू एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस की थी और हमने क्रिएट की थी। तो उसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हमने ऐड की थी, हमने स्प्लैश स्क्रीन भी ऐड कर ली थी, नो इंटरनेट कनेक्शन फंक्शनैलिटी भी और भी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हमने ऐड कर ली थी। सो इस वीडियो में हम अपनी वेब व्यू एप्लीकेशन में देखेंगे कि किस तरह हम एग्जिट डायलॉग को ऐड करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप सिंपली वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, मेन एक्टिविटी में जाना है। मेन एक्टिविटी में जाने के बाद हम आएंगे अपने ऑन बैक प्रेस मैथड में, ठीक है। इस मेथड में हमने अपनी वर्किंग को परफॉर्म करना है। तो यहां पर बेसिकली एल्स के केस में हम अपने अलर्ट डायलॉग को ऐड करेंगे। तो इसे ऐड करने के लिए हम यहां पर एल्स के केस में बॉडी को एंटर करेंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ठीक है। यहां पर आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बिल्डर इज इक्वल टू न्यू ऑफ और यहां पर अलर्ट डॉट बिल्डर और यहां पर आप उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे दिस, ठीक है। यह आपने यहां पर कर लिया। उसके बाद बिल्डर डॉट सेट टाइटल, आप टाइटल को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप टाइटल नहीं ऐड करना चाहते तो आप उसे ना ऐड करें, टाइटल के बगैर भी आप यहां पर एग्जिट डायलॉग ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ऐड करें मैसेज, मैसेज में आप यहां पर कर दें आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, ये मैसेज, या आप कोई भी मैसेज अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मैसेज ऐड कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर इस बिल्डर के ऊपर आप क्या करेंगे, बिल्डर या बिल्डर के ऊपर नहीं भी करते तो आप यहां पर क्या करें, डॉट सेट नेगेटिव बटन। अब ये नेगेटिव में हमारे पास बेसिकली दो बटन्स होते हैं एलएल डायलॉग में, तो बेसिकली एक क्या काम करता है, नेगेटिव का एक पॉजिटिव का। नेगेटिव बटन में हम नो करते हैं बेसिकली, इधर हम टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं नो और यहां पर हम क्या कर देते हैं, नल पास कर देते हैं। रन टाइम पर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। अब हम यहां पर पॉजिटिव बटन को ऐड करेंगे, तो सेट पॉजिटिव बटन और यहां पर हम उसका टाइटल पास कर देंगे यस। और यहां पर बेसिकली हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। डायलॉग यहां पर बेसिकली आपको ये सजेशन भी नहीं कर रहा, बेसिकली इसलिए सजेशन नहीं क्योंकि आपने यहां पर न्यू नहीं लिखा, न्यू ऑफ डायलॉग इंटरफेस लिखे तो आपके पास ये फंक्शन क्रिएट कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस ऑन क्लिक के अंदर आप बेशक क्या करें, अपनी जो एप्लीकेशन है उसे क्लोज कर दें। तो वो किस तरह, आप यहां पर क्या करें, फिनिश यहां पर आप कर दें अफिनिटी। बेसिकली ये मेथड क्या करता है, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होंगी, जितनी भी एक्टिविटीज उन्हें क्लोज कर देगा, ठीक है, उसके प्रोसेस को किल कर देगा। और यहां पर आप क्या करें, डोर शो के मेथड को कॉल कर दें। तो ये क्या होगा कि हमारा जो एग्जिट डायलॉग होगा हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में एड हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारी एप्लीकेशन में एग्जिट डायलॉग जो वो शो हुआ है, ठीक है, एड हुआ है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है, प्रोग्रेस बार भी आ चुका है और अब हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर बैक बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो बैक बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहां पर डायलॉग आ चुका है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कह रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप यस के ऊपर क्लिक करें, अगर नहीं करना चाहते तो नो के ऊपर। नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, नल, कोई लिस्टनर नहीं रहेगा तो ये डायलॉग कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी एप्लीकेशन में रहेगा। तो अगर आप क्या करेंगे, अगेन इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यस करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो वो एग्जिट हो जाएगी। तो ये फंक्शनैलिटी हमने क्या करनी थी, अपनी एप्लीकेशन में एड करनी थी। अगेन हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं और उसे चेक करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कोई और पेज ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेज ओपन किया, मैं बैक के ऊपर प्रेस करता हूं तो मेरे पास बैक पेज आया है, क्योंकि मैंने पहले जो है वो इफ कंडीशन यूज की थी कि अगर कोई पेज हुआ बैक होने के लिए तो उसे बैक करेगा वेब व्यू के ऊपर, अगर ना हुआ तो वो क्या करेगा, उसे डायलॉग शो कर देगा। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा इजी सा सिंपल सा ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि किस तरह एग्जिट बटन डायलॉग हम यूज कर सकते हैं हम अपनी एप्लीकेशन में वेब व्यू की जो हमने क्रिएट की है। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या क्वेरी हुई तो कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो तक अरसल टेक की तरफ से अल्लाह हाफिज़।